जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गोवर्धन पूजा, ये वो दिन होता है जिस दिन प्रकृति की वास्तविक पूजा का जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। जिस दिन भगवान कृष्ण ने ये हम सबको समझाया कि तंत्र इत्यादि की पूजा करने से आपको तंत्र इत्यादि की ही प्राप्ति होगी, आप उसी योनि के अंदर जाएंगे। वास्तविक प्रकृति का संरक्षण हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रकृति पूजा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं गोवर्धन पूजा से आपको क्या लाभ होगा इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप सभी लोग खैर जानकार हैं और इस चीज को जानते हैं कि वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण अपने स्वरूप गोवर्धन पर्वत के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं और समस्त जो वृंदावन के वासी हैं, गोकुल के वासी हैं, वो 7 वर्ष के बालक भगवान कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। और वहाँ पर भगवान कृष्ण जब इंद्र प्रकोप करता है, क्योंकि उतने दिन से इंद्र की पूजा करते हुए आ रहे थे ब्रज के जो वासी हैं, भगवान कृष्ण एक छोटी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और पूरे जो भक्त हैं भगवान के वहाँ पर आते हैं। इंद्र कितना भी प्रकोप कर ले, लेकिन उस उन ब्रजवासियों का बाल भी इंद्र बांका नहीं कर पाता है। आप देखते हैं इतनी घनघोर वर्षा होती है और अंत में इंद्र आकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसको अभय दे करके छोड़ देते हैं, जाओ। ये बहुत बहुत कुछ हमें सिखाता है। ये अगर इस कथा की बात की जाए, इस चर्चा की बात की जाए, तो बहुत कुछ हमको ज्ञान देता है। एक तो सबसे पहले भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने से आपके जीवन की जो कामनाएं हैं वो कभी ना कभी निश्चित रूप से जरूर परमात्मा पूर्ण करते हैं। जब भी आप कुछ जल्दी पाने के लिए, जैसा बहुत इस समय हो रहा है, हम बगलामुखी आराधना बहुत करना चाहते हैं, लोग करते हैं तांत्रिक पूजाओं का, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इस परिस्थिति में जल्दी कुछ कर दें, उनके पास हम भागते हैं, हम भगवान के पास नहीं भागते। उससे हमारा ये लोक तो खराब ही होता है, तंत्र की चीजों में पढ़ करके हमारा परलोक भी कहीं ना कहीं विनष्ट होता है। तो इस कारण से भगवान पर श्रद्धा से भरोसा रखना चाहिए। वेदोक्त जो चीजें हैं उसका हमें श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। गोवर्धन पूजा इस बार 2 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसी दिन विश्वकर्मा पूजन भी मनाया जाएगा। आपको श्रद्धा से क्या करना है, आपको सुंदर भोग इत्यादि भगवान का बनाना है, कढ़ी चावल का भोग बना सकते हैं, अन्नकूट इत्यादि का भोग बना सकते हैं और श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में गोवर्धन भगवान की, भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप, उनको श्रद्धा से अर्पण करें और अर्पण करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रद्धा से इस मंत्र को चैंट करें। जब इसको अर्पण करें तो मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, उस गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में हम सभी लोग हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का भाव मन के अंदर होना चाहिए। आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के संकीर्तन इत्यादि करें, सारी चीजें जो है उसका पालन करें, अपने अंदर गोपी भाव रखें। ध्यान रखिएगा इस चीज से दो बहुत सुंदर चीज हमें समझ में आती है। ब्रह्मा जी ने, भागवत के अंदर ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया। ब्रह्मा जी बछड़े और गोप ग्वाल हैं उनको लेकर के ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं, 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान ने उनको माफ नहीं किया। इंद्र 10 मंत्रों से स्तुति करता है और बहुत प्रकोप करता है, उसके बाद 10 मंत्रों की स्तुति में भगवान ने उसको माफ कर दिया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे भगवान के भक्त इकट्ठा होते हैं तो भगवान आपके समस्त अपराधों को क्षमा करते हैं। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे भगवान के भक्त आपसे दूर होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो छोटा सा दंड भी भगवान माफ नहीं करते। तो आप लोग गोवर्धन पूजा को श्रद्धापूर्वक मनाइए, यही मेरी शुभकामना। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।